नमस्कार दोस्तों, आज आपने मार्केट देखा। मार्केट में क्या हुआ? निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बेरिश थे और काफ़ी ज़्यादा बेरिश थे। वेल, यही था हमारा प्रेडिक्शन आज के लिए और ऐसा ही हुआ। कोई भी गैप अप के साथ ओपनिंग नहीं हुई तो हमें री एनालाइज करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अभी कल के मार्केट में क्या होने वाला है, मैंने सारा डेटा एनालाइज किया। उसको एनालाइज करने के बाद मैं कंक्लूजन पर पहुँचा हूँ कि कल भी मार्केट मतलब निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बेरिश रहेगा। आप ऐसा मत सोचिए कि बीरिश रहेगा मतलब 200 पॉइंट 300 पॉइंट मूव करेगा। बीरिश रहेगा मतलब नेगेटिव की तरफ झुकाव रहेगा, नेगेटिव जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उस एनालिसिस में मैंने पाया कि FIIs जो हैं उन्होंने सेल करना चालू कर दिया है और आज भी उन्होंने सेल किया। DIIs ने इंटरेस्टिंगली आज बाय किया जो कंटिन्यूसली सेल करते आ रहे थे। तो चलो ठीक है, अभी ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, बट आपको तो पता ही है कि मार्केट मूव कौन करता है। FIIs ही मार्केट मूव करते हैं। अभी बजट के दिन आने वाले हैं तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी हुई है, आप नेकेड ट्रेड लेने से बचे। तो कल का प्रेडिक्शन हो गया कि मार्केट बीरिश रहेगा। अभी एक और स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेते हैं, न्यूट्रल बीरिश ऑन वॉलेटिलिटी मार्केट के लिए। मतलब मार्केट या तो नीचे जाने वाला है या वहीं पर थोड़ा बहुत मूव करेगा, और नीचे भी जाएगा तो ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। वेल, इसके लिए जो स्ट्रेटजी आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आयरन बटरफ्लाई। आपने आयरन बटरफ्लाई का नाम बहुत जगह सुना होगा, बट प्लेन बटरफ्लाई मतलब आयरन बटरफ्लाई तो नहीं सुना होगा। आपने सुना होगा लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई, शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई। बोलिए होता क्या है और इसका नाम आयरन बटरफ्लाई ही क्यों पड़ा? आयरन का तो पता नहीं, बटरफ्लाई मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इसका जो शेप आएगा ग्राफ का वो बटरफ्लाई जैसा रहता है, इसीलिए इसका नाम बटरफ्लाई पड़ा। अभी आयरन बटरफ्लाई आपको डिकोड करना पड़ेगा। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट यह है कि यहाँ पर हमको एक चीज़ पता है कि मार्केट या तो एक नैरो रेंज में ट्रेड करेगा या उस नैरो रेंज में ट्रेड नहीं करेगा। इन दोनों में से एक आपको क्लैरिटी मिल जाती है, जैसे कि अभी आपको क्लैरिटी मिल गई क्योंकि बजट आने वाला है, तो आप खुद जानते हैं कि इस नैरो रेंज में तो ट्रेड नहीं करने वाला है। हाई वॉलेटिलिटी रहेगा, मार्केट हाई अप एंड डाउन मूव करेगा, तो उसके लिए यह स्ट्रेटजी परफेक्ट है। बट इसमें भी दो तरह की स्ट्रेटजी आती है, एक होती है लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई, एक होती है शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई। लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई में क्या होता है, एक नैरो रेंज डिसाइड करते हैं और ये प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट इसके बीच में ही मूव करेगा, बट अभी तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बजट है, तो मार्केट बहुत ज़्यादा मूव करेगा, तो लॉन्ग आयरन फ्लाई तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब हम देखते हैं कि शॉर्ट बटरफ्लाई क्या होता है। शॉर्ट बटरफ्लाई में हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि मार्केट इस रेंज के बीच में तो नहीं एंड होने वाला। अगर ये डिसाइड कर लिया, इसका मतलब कि मार्केट या तो इस ऊपर जाएगा या इसके नीचे जाएगा। कोई एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं तो उसके बेसिस पे हम उसमें ट्रेड करेंगे। इसमें लिमिटेड लॉस होता है, लिमिटेड प्रॉफिट होता है। इसके जो ब्रेक इवन पॉइंट्स है और अदर पैरामीटर्स है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये चार्ट यहाँ पर हम चार पोजिशन बनाएंगे तीन स्ट्राइक प्राइस पे। आप इसको देख के कन्फ्यूज ना हो, यहाँ पर मैंने लिखा है कॉल एट द मनी एंड पुट एट द मनी। इसका मतलब ये नहीं कि कॉल के एट द मनी पे पोजीशन बनानी और पुट के एट द मनी पे पोजीशन बनानी। एट द मनी एक वाला ही लेना है, मतलब आप कॉल का लीजिए या फिर पुट का लीजिए। यहाँ पर मैं कॉल का लेके आपको एक्सप्लेन करूँगा। ऐसा नहीं हो कि आप कॉल का एट द मनी ले लें और पुट का एट द मनी अलग से ले लें। आपको एक का एट द मनी ही लेना है और उस पर ही पोजीशन बनानी है, क्योंकि दो पोजीशन बनाएंगे हम एट द मनी पे। वेल, और दो और पोजीशन रहेगी, पुट में आउट ऑफ द मनी और कॉल में आउट ऑफ द मनी वहाँ पर बनाएंगे। इसको पूरा परफेक्टली एग्जीक्यूशन भी हम देखेंगे, बट पहले देख लेते हैं कि अपर ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर आएगा। वेल, अपर ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल है। लॉन्ग ऑप्शन आपने जहाँ किया है एट द मनी में, इस एग्जाम्पल के लिए वो कॉल वाला है, उसको ले लीजिए और उसमें से माइनस कर लीजिए नेट प्रीमियम जो आपने पे किया है। इसमें हम जनरली पे ही करेंगे, तो जो आपने पे किया उसको माइनस कर लीजिए। वैसे भी मैं नेट प्रीमियम को फिर से माइनस करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लोअर ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ आएगा? वेल, फिर से अपन मिडिल पॉइंट ले लेंगे, और पहले हमने माइनस किया था, यहाँ पर हम प्लस कर लेते हैं और उसको माइनस साइन के साथ रख देंगे, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इतना टेंशन मत लीजिए, मैं इसको एक एग्जांपल के साथ बताऊँगा, मतलब करंट मार्केट एग्जांपल, वो भी निफ्टी का, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आपको फिर भी कभी भी डाउट होता है कि अपर ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ रहेगा, लोअर ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ रहेगा, तो ज़्यादा टेक्निकलिटी में मत घुसिए। अपर ब्रेक इवन का मतलब है कि अपसाइड में आएगा, लोअर ब्रेक इवन का मतलब है डाउन साइड में आएगा। तो आपको क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है और आपको उसको प्लेस कर देना है। अगर उस हायर आता है तो अपर ब्रेक इवन पॉइंट है, लोअर आता है तो लोअर ब्रेक इवन पॉइंट है।
इसको फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है। रिस्क एंड रिवर्ड्स दोनों लिमिटेड होते हैं और जो मार्जिन रिक्वायर होता है वो चाहिए होता है क्योंकि हम सेल करने वाले हैं। करंट मार्केट का एग्जांपल देखते हैं तो उसमें 13,817 पे आज निफ्टी क्लोज हुआ। एट मनी आप देखेंगे कॉल का तो 13,800 है, वहां पर हम पोजीशन बनाने वाले हैं और बाय करने वाले हैं वहां का प्रीमियम जो होगा 237.25। एक देख लेते हैं आउट ऑफ द मनी, तो मतलब क्या करेंगे 100 पॉइंट अप ले लेंगे कॉल से, 13,800 है तो 13,900 आउट ऑफ द मनी रहेगा, उसको हम सेल कर देंगे तो हमको 191 रुपए का प्रीमियम अपने खाते में आ जाएगा। और ये जो एक्सपायरी ले रहा हूँ ये मैं नेक्स्ट एक्सपायरी ले रहा हूँ क्योंकि आज की एक्सपायरी तो ऑलरेडी ओवर हो चुकी, ठीक है। और आप अभी देखे रहेंगे तो क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है तो प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हुए हैं, इसी कारण आप देखेंगे यहाँ पर वैल्यू काफ़ी हाई आ रही है। अभी देखते हैं कि कॉल के एट द मनी में पुट का एक पोजिशन बनाएंगे बाइंग की साइड, ओके। मतलब हम बाई कर रहे हैं प्रीमियम कितना 212 दे के, और 13,700 जो 100 पॉइंट्स फर्दर डाउन है उसको हम सेल कर रहे हैं और हमको प्रीमियम मिल रहा है 169। अभी अपर ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं यहीं पर मैं वैल्यू रख देता हूं तो आपको पता चल जाएगा। आप देखेंगे कि एट द मनी कहां पर हो रहा था 13,800 पे, अभी यहां पर माइनस साइन रख दीजिए। प्रीमियम कितना पे किया है, ये प्रीमियम पे करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, मैं पहले ही साइन डाल देता हूं तो आपको जितने भी प्रीमियम्स लगे हैं उन सबको ऐड कर दीजिए। साइन ऑलरेडी मैं डाल देता हूं, आप भी साइन डाल दीजिए कीजिए, जो पे करते हैं उसको माइनस में डालिए, जो रिसीव होता है उसको प्लस में डालिए। तो कितना हुआ है -89.25। अगर आप इसका समेशन करेंगे तो आपको जो आएगा वो होगा 13,889.25। अभी लोअर ब्रेक इवन पॉइंट आप अपने मोबाइल में कैलकुलेट करके देखिए, फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है। आप 13,800 की जगह 13,800 ही रहेगा, माइनस की जगह बस प्लस हो जाएगा, मतलब 13,800 -89.25। अब इतना कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, उससे आपका लोअर ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। चलो अभी थोड़ा और डीप में चलते हैं और देख लेते हैं कि पे ऑफ शेड्यूल कैसे बनता है, कहां पर एक्सपायरी होगा तो कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होगा। तो हमने यहां पर चार पोजीशन बनाई है, मतलब चार कॉलम बनेंगे। पहले देख लेते हैं कहां कहां पर पोजीशन बनाई है। हमने पोजीशन बनाई है 13,700 पे और 159 रुपी रिसीव हुए हैं पुट को सेल करने पे। दो पोजीशन बनाई है 13,800 पे क्योंकि ये एट द मनी था कॉल का, तो यहाँ पर हमको जो कॉल से पे किया है प्रीमियम वो है 237.25 और पुट पे जो बाई किया है वो है 212 प्रीमियम पे। अभी आप देखेंगे 13,900 की पोजीशन, यहाँ पर हमने कॉल को सेल किया है और हमको मिला है 191 रुपए का प्रीमियम। ये है पर क्वांटिटी, पर लोट के लिए आप 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक और पोजीशन जो बनी है वो 212 पॉइंट प्रीमियम दे के बनी है, 13,800 पे पुट को हमने बाय किया है। मतलब एट द मनी कॉल या पुट का एक चीज़ लेना है और उस पे दो पोजीशन बनानी है बाइंग की, और 100 और 200 पॉइंट्स डाउन दोनों साइड से आपको एक एक और पोजीशन बनानी है सेलिंग में, ठीक है। तो एट द मनी में कॉल में और पुट में दोनों में बाय कर लीजिए और आउट ऑफ द मनी में सेल कर लीजिए दोनों साइड, तो आपका आयरन बटरफ्लाई तैयार हो जाता है। अगर आप एट द मनी का बाय करते हैं तो वो शॉर्ट आयरन फ्लाई तैयार होता है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, और शॉर्ट आयरन फ्लाई अभी के लिए काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल रहने वाला है। तो अब एक एक कॉलम को देख लेते हैं। जैसे कि मैं पहले भी बताता हूँ 13,800 पे हमने इसको बाय किया है, तो 13,800 से नीचे मार्केट कहीं भी अगर क्लोज होता है तो ये क्या रहेगा, आउट ऑफ द मनी हो जाएगा और हम सारा प्रीमियम लूज कर देंगे जो भी हमने कॉल बाय किया। और अगर 13,800 से ऊपर मार्केट जाता है तो ये कॉल जो रहेगा वो बढ़ेगा, क्योंकि कॉल अगर बाय करके रखें मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब अंडरलाइंग एसेट प्राइस ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इसका प्रीमियम बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, ये 50 पॉइंट मूव करेगा तो ये 50 पॉइंट बढ़ेगा, ये अगर फिर से 50 पॉइंट मूव किया तो 50 पॉइंट बढ़ेगा। यही है, माइनस में 50 पॉइंट ऐड कर दीजिए तो आपको 187.25 आएगा, फिर आप 50 पॉइंट ऐड करेंगे तो 137.25 आएगा। अभी देख लेते हैं सेकेंड वाला कॉलम। सेकेंड वाला कॉलम में कहाँ पर पोजीशन बनाई है, 13,900 में हमने क्या किया, उसको कॉल को सेल किया है, तो जब तक ये आउट ऑफ द मनी रहेगा तब तक वेल एंड गुड, विल बी रिसीविंग दिस कंप्लीट प्रीमियम। तो अगर 13,850 पे क्लोज होता है या 13,800 पे, किधर भी क्लोज होने दो, इधर हमको प्रीमियम रिसीव हो जाएगा। बट वंस इट कम्स इन द मनी फिर पंगे चालू हो जाते हैं। अगर वो इन द मनी आना चालू हो गया तो फिर क्या होगा, अगर ये 50 पॉइंट गया तो हमको 50 पॉइंट का इसमें से माइनस करना पड़ेगा, मतलब उतना प्रीमियम हमारा चला जाएगा। फिर से अगर एक्सपायरी के दिन 50 पॉइंट मूव किया तो फिर से हमारा 50 पॉइंट इसमें से चला जाएगा। ये इंट्रेंसिक वैल्यू बोलता हूँ मैं, क्योंकि टाइम वैल्यू एक्सपायरी पे जीरो हो जाती है और इंट्रेंसिक वैल्यू आउट ऑफ द मनी की नहीं होती है, ठीक है।
अभी थर्ड कॉलम कैलकुलेट कर लेते हैं। सिमिलरली 13,800 पे हमने पुट को बाय करके रखा है। पुट अगर बाय किया है, मार्केट नीचे जाएगा तो पुट की वैल्यू प्रीमियम बढ़ेगा। मार्केट 50 पॉइंट ऊपर जाएगा तो जो 212 माइनस में थे उसमें से 50 पॉइंट ऐड हो जाएंगे और 162 हो जाएगा, मतलब खाली 162 का लॉस होगा। फिर से 50 पॉइंट बढ़ने दो, फिर से हमारा लॉस कम हो जाएगा। ऐसे ये लॉस कम होता जाएगा अगर मार्केट नीचे जाएगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, आउट ऑफ द मनी हो जाएगा पुट और हमको पूरा प्रीमियम लूज करना पड़ेगा। अगर 13,700 की बात करें, जो हमारा फोर्थ कॉलम है, उसमें 169 पॉइंट्स हमको मिले थे प्रीमियम में जब हमने पुट को सेल किया था। अभी मार्केट नीचे जाता है तो पुट जो रहेगा वो इन द मनी में आ जाएगा और फिर हमको लॉस होना चालू हो जाएगा प्रीमियम पे। ये 50 पॉइंट जाता है तो हमको 50 पॉइंट का लॉस होगा, 50 पॉइंट इसलिए क्योंकि एक क्वांटिटी है। फिर से 50 पॉइंट जाता है मार्केट नीचे तो फिर से 50 पॉइंट का लॉस होगा। और अगर मार्केट उसकी जगह ऊपर जाता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि पुट आउट ऑफ द मनी हो गया, पूरा पूरा प्रीमियम हमारे अकाउंट में आ गया। नेट पे ऑफ के लिए कुछ नहीं करना, इन चारों कॉलम्स को ऐड करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है इस पे ऑफ ग्राफ के हिसाब से, 89.25, वो हमको ग्राफ से पता चल जाएगा। तो चलो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ में एक्स एक्सिस पे एज यूजल मैं स्ट्राइक प्राइस ले आऊँ, वाई एक्सिस पे पे ऑफ ले आऊँ। ये देखिए इसका बटरफ्लाई की तरह आ रहा है ना, बटरफ्लाई की तरह फ्री फील आ रहा है ना, बटरफ्लाई कैसे उड़ती है ऐसा ना पंख करके। गिर्द का क्या रहता है, ये वाला भाग जो रहता है वो मोटा रहता है, इसीलिए वो कॉन्डोर हो जाता है। मोटा कैसे रहेगा, वो ऐसा आएगा फिर ऐसा जाएगा। गिर्द बड़ा होता है, बटरफ्लाई छोटी होती है, तो ये वाला भाग ऐसा ट्रायंगल जैसा बन जाता है, तो इसीलिए इसको बटरफ्लाई बोलते हैं। अभी इस बटरफ्लाई में क्या है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है। मतलब अगर मार्केट सेम की सेम जगह रह गया जो भी एट द मनी है, देन आपको सबसे ज़्यादा लॉस होगा। बट आपका प्रेडिक्शन ही यही है कि मार्केट तो यहीं रहे तो नहीं रहने वाला, वो बहुत ज़्यादा मूव करेगा ऊपर या नीचे, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट ही होगा। और अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है इस केस में, वो हो रहा है 10.75 अगर मार्केट इधर किधर भी जाता है या फिर ऊपर की ओर किधर भी जाता है। तो ये आपकी रेंज हो गई। इस रेंज के बीच में आपका मार्केट अगर घूमता है तो आपको थोड़ा लॉस होगा, अदरवाइज यू विल बी इन प्रॉफिट। ये तो हो गई आयरन बटरफ्लाई की स्ट्रेटजी। ये जो स्ट्रेटजी मैं डिस्कस करता हूँ, मेरा उद्देश्य है कि मैं करंट मार्केट के साथ आपके साथ डिस्कस करूँ और सारी ऑप्शन की जो स्ट्रेटजीज है उनको मैं कवर कर सकूँ और आप भी उसको सीख सकें ये पूरी प्लेलिस्ट देख के ही। वेल, आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। थैंक यू।